This is Neha Sharma, your accounts teacher. Today we are starting our 12th class syllabus, chapter number 1, Introduction to Partnership, साझेदारी का सामान्य परिचय. Guys, साझेदारी word आपने सुना ही होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है. जनरल लाइफ में भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं. आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा कि हमने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट? तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब है जब दो या दो से अधिक लोग मिलके जॉइंटली अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जॉइंटली अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी का निवेश करते हैं. उसके बाद बिजनेस को ढंग से चलाने के बाद सभी लोग एट द एंड अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स या लॉसेस को शेयर करते हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट्स ही हो, लॉसेस भी हो सकते हैं. तो जब पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं तो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो भी इक्वली या जो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइडेड है उस रेशो के अंदर शेयर किया जाएगा. अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता है तो उस लॉस को भी पार्टनर्स के द्वारा ही बियर किया जाएगा, राइट? सो पार्टनरशिप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो नीति या नियम हैं, वो किसके अंडर रेगुलेट किए गए, किसके अंडर बनाए गए, ऐसा कौन सा एक्ट है जो ये डिसाइड करता है कि पार्टनरशिप में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए. दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इंडिया के अंदर अगर कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनको अपने पार्टनरशिप बिजनेस को किसके अंडर करना होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने अपनी डेफिनेशन दी है कि पार्टनरशिप एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? एज पर सेक्शन बी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप किसके बीच का रिलेशन है? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का. हु शेयर्स टू या हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ ए बिजनेस रन बाय देम. जो क्या करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में पार्टनरशिप बिजनेस के रिलेशनशिप में आते हैं तो वो किस बात के लिए सहमति दर्शाते हैं? कि वो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस होंगे दोनों को शेयर करेंगे. जो बिजनेस होगा वो किसके द्वारा रन किया जाएगा, कैरी किया जाएगा? सभी पार्टनर्स के द्वारा या ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो पार्टनरशिप बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाएगा या उनमें से कोई भी पार्टनर और ऑल पार्टनर्स के बिहाफ पे इस बिजनेस को चला सकता है, राइट? तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, इसी डेफिनेशन के अंदर आपके पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन जाती है, राइट? सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड ये है कि नीड ऑफ पार्टनरशिप. भी पार्टनरशिप बिजनेस कोई करता है या ग्रुप ऑफ पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो क्यों करते हैं? ऐसी कौन सी जरूरत है कि पार्टनरशिप बिजनेस करने की ही जरूरत आ पड़ी? ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक सिंगल पर्सन भी अपना इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर सकता है. जब एक सिंगल पर्सन बिजनेस करता है तो हम उसको कहते हैं सोल प्रोप्रेटरशिप या एकाकी व्यापार. एकाकी व्यापार में बहुत सारी वीकनेस है, उनको दूर करने के लिए, उनकी वीकनेस को रिमूव करने के लिए पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932. अब एकाकी व्यापार या सोल प्रोप्रेटरशिप की मेन वीकनेस क्या है कि उसमें एक ही बंदा बिजनेस करेगा, एक ही पर्सन बिजनेस करेगा, तो कैपिटल भी लिमिटेड होगी. क्या होगी? कैपिटल भी लिमिटेड होगी. एक पर्सन के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने बिहाफ पे अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे लेके जाए, राइट? सो दैट्स व्हाई पार्टनरशिप ने इसको रिप्लेस किया है. पार्टनरशिप ने ये कहा है कि पार्टनरशिप के अंदर तो बहुत सारे पर्सन आ सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पर्सन पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं. दोबारा सुन लीजिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स आर इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप बिजनेस, राइट?
तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ऐसी कोई वीकनेस होती नहीं है लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि सभी बहुत सारे पार्टनर्स आते हैं तो हर पार्टनर अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग या पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी का बिजनेस के अंदर निवेश करते हैं। तो बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, इन्वॉल्व होंगे बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल भी ज्यादा आएगी जो कि सिंगल पर्सन के बिजनेस के कंपैरेटिव ज्यादा बेटर रहेगी। तो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक एक सिंगल पर्सन जब बिजनेस करता है तो वो ज्यादा कैपिटल नहीं लगा सकता, इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस में ज्यादा लोग आते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे कैपिटल की लिमिटेशन नहीं होती, कैपिटल हम ज्यादा लगा सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट इज लिमिटेड मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं सोल प्रोपर्टीशिप की, मीन्स एकाकी व्यापार की, मीन्स जब एक पर्सन इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस करता है, उस केस में वो अपने बिहाफ पे बिजनेस करेगा, अपना माइंड लगाएगा, अपनी उसकी मैनेजमेंट स्किल्स होंगी, लेकिन एक बंदा हर जगह सही डिसीजन नहीं ले सकता। सो डेट्स वाई पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया, पार्टनरशिप की जरूरत पड़े, क्योंकि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं, आके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो काफी सारा माइंड होता है, उनकी अलग अलग मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो हर पर्सन चाहे बिजनेस में कितनी भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए, चाहे बिजनेस में कितने भी उतार चढ़ाव आए, अगर एक पर्सन डिसीजन सही नहीं ले पा रहा है तो दूसरा पर्सन सही डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करेगा, तो इसलिए पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। थर्ड पॉइंट इज स्किल्स एंड इंटेलिजेंस। सोल प्रोपर्टीशिप मीन्स एकाकी व्यापार के अंदर एक बंदे में इतनी सफिशियंट स्किल्स नहीं होती हैं, इतनी सफिशियंट इंटेलिजेंस पावर नहीं होती है कि वो अपने बिजनेस के डिसीजंस हर हाल में सही लेगा, या अगर बिजनेस हमारा कम चल रहा है, मीन्स लॉस में जा रहा है, तो बिजनेस को लॉस से कैसे निकाला जाए ताकि बिजनेस का जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। तो इस वीकनेस को कौन रिमूव करेगा? पार्टनरशिप रिमूव करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं, राइट। तो उनकी इंटेलिजेंस पावर ज्यादा होगी, उनके स्किल्स अलग होंगी, ज्यादा होंगी, राइट। तो जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस का डिसीजन लेंगे वो बेटर भी रहेगा, और अगर बिजनेस हमारा लॉस में जा रहा है तो उस बिजनेस को प्रॉफिट में कैसे लेके आना है, इस केस में पार्टनरशिप हमारा हेल्प करेगा। लास्ट वन इज रिमूव ऑफ वीकनेस ऑफ सोल प्रोपर्टीशिप। ये पॉइंट मैंने पहले भी बता दिया है, अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूं, पार्टनरशिप जो है एकाकी व्यापार से बेटर होता है, सोल प्रोपर्टीशिप से बेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक पर सोल प्रोपर्टीशिप में एक ही पर्सन अपनी कैपिटल लगाएगा, अपने रिस्क पे काम करेगा, राइट, डिसीजन सही नहीं ले पाता है, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो एकाकी व्यापार की सारी जो भी वीकनेस है उनको दूर करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख क्या होता है। पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख एक ऐसा एग्रीमेंट होता है सभी पार्टनर्स के बीच में कि बिजनेस कैसे चलाया जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो कैसे चलाया जाएगा, पार्टनरशिप जो हमारा ऑफिस है उसका एड्रेस क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगी पार्टनर्स की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जब पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में एंटर कर जाते हैं वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस जो है पार्टनर्स की कैपिटल को एज अ लायबिलिटी कंसीडर करता है। क्या करता है? एज अ लायबिलिटी कंसीडर करता है। तो उस इंटरेस्ट, उस कैपिटल के बदले पार्टनर जो कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल लगाने के बदले जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो उन पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता है उनकी कैपिटल के बदले, राइट। जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उतना ही उनको उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दिया जाएगा जितना कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, मींस पार्टनरशिप ऑफ डीड के अंदर या साझेदारी संलेख के अंदर ये पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिसाइड ही नहीं है कि पार्टनर्स को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को 6% की रेट से दिया जाएगा।
राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना रहेगा, मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का कंसेप्ट आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, राइट। ड्रॉइंग्स का मतलब हमने 11th क्लास में मैंने आपको अच्छे समझाया था, जब कोई भी पार्टनर या कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। जब कोई भी साझेदार अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए, व्यक्तिगत रूप से कंपनी या पार्टनरशिप के पैसे को या किसी भी बिजनेस के पैसे को यूज करता है, विड्रॉ करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी बिजनेस है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे कोई भी बिजनेस है, जब कोई बिजनेस पार्टनर को ड्रॉइंग करने की फैसिलिटी दे रहा है, मीन्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा यूज करने की फैसिलिटी दे रहा है, तो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर से उसके बदले इंटरेस्ट चार्ज करेगी। नोट द पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को मिलता है, क्यों, क्योंकि कैपिटल पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, राइट। लेकिन जो ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है पार्टनर से लेता है, चार्ज करता है, राइट। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो पार्टनर्स पे करते हैं, किसको, पार्टनरशिप फर्म को पे करते हैं। इज इट क्लियर। तो पार्टनरशिप फर्म्स के रिगार्डिंग जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जितनी भी हमारी बातें हैं, वो सारी की सारी पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट में आती है। मान लिया किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर्स हैं, राइट। उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, कैपिटल कितने इन्वेस्ट करेगा, कितने पार्टनर्स होंगे, पार्टनरशिप फर्म जो है किस टाइप का बिजनेस करेगा, राइट, कहाँ इसका ऑफिस होगा, ये सारी की सारी बातें किसके अंदर डिसाइड हो जाती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर या साझेदारी संलेख के अंदर। जब सारे पार्टनर्स इन टर्म्स एंड कंडीशंस को बना लेते हैं, राइट, उनके बीच का एग्रीमेंट बन जाता है, तो 5 पार्टनर्स के सिग्नेचर होने चाहिए पार्टनरशिप डीड पे, तभी वो एक एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड बन पाता है, राइट राइट। अब दूसरी बात ये आती है कि पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा, राइट। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसका बंटवारा करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, लाभ विभाजन अनुपात के हिसाब से। अब क्वेश्चन ये है कि किस पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो किसके अंदर डिसाइड होगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा या लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, तो उस केस में हम इक्वली देंगे सबको, लाभ किसको देंगे, सबको, पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो पार्टनर्स का लाभ का बंटवारा, पार्टनर्स का प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हिंदी में हम कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही ये डिसाइड होता है कि किसको कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि एट लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद ही ये डिसाइड होगा या ये क्लियर पिक्चर सामने आएगी किस पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट एग्जैक्टली मिला है, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।